नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि आप यूं समझ लो कि आपके एडमिशन का पहला स्टेप है ये। अभी तक आपने जो भी चीजें करी हैं वो आपके लेवल तक थी, यानी प्रिपरेशन करना, जाके एग्जाम देना। अब ये चीजें एक ऑफिशियल लेवल तक पहुंच रही हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आपका आगे की जो भी कार्रवाई है वो आपके साथ कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, कोई एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म देखेगा। सो ऐसे में अब जब भी कोई वीडियो आए तो आप उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और हर एक पॉइंट्स को समझें, क्योंकि आपने इतना मेहनत करी है, आपने एग्जाम दिया है, बहुत सारे लोग अभी एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब आप सीयूटी का एग्जाम दे लेते हो तो ये सीयूटी जो है ना, एक प्लेटफॉर्म है जो कि बस एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि एग्जाम कराती है, और ये आपका रिजल्ट जो है वो विभिन्न विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को दे देती है, और वो यूनिवर्सिटीज जो है उस रिजल्ट से अपने यहाँ दाखिला देती है, अपने यहाँ एडमिशन देती है। सो फाइनली आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BHU काउंसलिंग 2023, यानी 2023 में काशी विश्वविद्यालय में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो अपना आगे का जो प्रोसीजर है एग्जाम देने के बाद वो कैसे फॉलो अप होगा, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उन्हें समझना चाहिए, बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो ऐसे में आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल साथ ही साथ एनालाइज वीडियो जो है वो मिस ना हो सके। क्योंकि मैं रैंडम वीडियो नहीं बनाता, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि BHU का तो एकदम 100% तय है कि जो वीडियो दूंगा वो 100% प्रूव्ड होगा, क्योंकि यहीं का स्टूडेंट हूं और ऑफिस लेवल तक के जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो कैसे भी करके जो भी बातें बताऊंगा वो बहुत ही ऑफिशियल होगा, इसीलिए पहले वीडियो में समझा रहा हूं, क्योंकि बार बार ये चीजें बतानी ना पड़े। सो प्लीज हमको सब्सक्राइब जरूर करें और ये काउंसलिंग का पूरा जो सीरीज आने वाला है इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है? तो शुरू किया जाए। देखो, अभी तक आपने जो भी चीजें करी हैं वो एग्जाम तक थी, यानी आप सेंटर्स पे गए, आपने एग्जाम दिया। आगे जो एक आपके साथ चीजें होंगी जो सीयूटी के थ्रू होंगी, यानी एनटीए जो करेगा वो आपका आंसर की लाएगा और फिर रिजल्ट लाएगा। ध्यान दीजिएगा कि एनटीए या सीयूटी आपको एडमिशन नहीं दिलाएगा, उनका काम एडमिशन दिलाना नहीं है, उनका काम है विश्वविद्यालय को आपका जो डेटा है, चाहे आपका फॉर्म भरने में जो भी डेटा यूज हुआ वो, और खासकर जो आपका रिजल्ट है वो विश्वविद्यालय को देना और आपको देना, ठीक है? तो दो चीजें पैरेलल चलेंगी, ठीक है? एक मिनट आ जाने दीजिए, ठीक है? दो चीजें देखो पैरेलल चलेंगी यहाँ पे, वो चला गया पूरा, तो आप इतने से ही समझ जाओगे, उम्मीद है मैं समझा लूंगा इतने में। देखो यहाँ पे दो चीजें पैरेलल चलने के जो सेंस है वो ये है कि एक तो सीयूईटी आपका क्या करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है? सीयूईटी जो है वो आपका रिजल्ट देगा, ठीक है? एक तो सीयूटी जो है वो आपका आंसर की और रिजल्ट देगा। किसको देगा? विश्वविद्यालय को देगा। यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल आज से ओपन कर रहा है, 7 तारीख से वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन कर रहा है। हाँ, इस बार एक सरप्राइजिंग बात ये है कि ये अभी अपना क्यों ओपन कर रहा है, जबकि इनके पास रिजल्ट तो है नहीं। बच्चा जब रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे अपना रिजल्ट नहीं डालेगा। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे बस ये जानना चाहती है कि आप हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं, बस वो इतना ही जानना चाहती है कि आप हमारे यहाँ पढ़ने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं, और इच्छुक है यानी आपकी चाहत है कि आप पढ़ना चाहते हो तो किस कोर्स में पढ़ना चाहते हो। जाहिर सी बात, रिजल्ट आया नहीं है तो आपसे रिजल्ट तो लेंगे नहीं, रिजल्ट ये क्या करेंगे वो सीयूटी या एनटीए से ले लेंगे या यूजीसी से ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, कट ऑफ रिलीज करेगी। ये प्रोसीजर जो है उसके बाद का है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, कोई भी BLLB का बच्चा है सपोज, ठीक है, लॉ में एडमिशन लेना चाहता है 5 इयर्स प्रोग्राम में। अब वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटीज में अपना फॉर्म डाल दिया जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म अभी कोई नहीं फिल करेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है? तो अब अपना फॉर्म भर देगा तो कुछ दिनों बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये यूनिवर्सिटीज जो है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कट ऑफ निकालेगी। हर कोर्स का अलग अलग आएगा, BA का अलग आएगा,
बीकॉम का अलग आएगा, बीएससी मैथ का अलग आएगा, बायो एग्रीकल्चर का अलग आएगा, जितने भी कोर्सेज होते हैं हर एक विश्वविद्यालय का सेम प्रोसीजर लगभग होता है, वो अपना अलग से कट ऑफ निकालेगी और इस कट ऑफ के बाद आपका होगा काउंसलिंग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए जाएंगे, लेकिन कट ऑफ आने के बाद जब आप देखोगे कि आप इस अंडर नंबर में आ रहे हो, इस मेरिट में आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि वो लोग मान लो बोल दिए कि हम 320 तक के बच्चों को ले रहे हैं, पहला कट ऑफ, कई कट ऑफ आएंगे, दसनों आएंगे, तो वन मान लो कि पहली बार में 320 तक के बच्चों को लेना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप चेक करते रहोगे कि अच्छा हमारा आ गया, अच्छा अच्छा हमें बुलाया गया, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो आगे का प्रोसीजर होगा बताऊंगा मैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, आपके पोर्टल पे आता है पेमेंट करने के लिए, आप पेमेंट कर दिए, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल इन्हें दोगे, आपसे एक बार यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी लिया जाएगा। देखो इस पूरे प्रोसीजर में एक चीज मिसिंग ये है कि आपसे डॉक्यूमेंट शायद दो या तीन स्टेजेस पे ले, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे बहुत ज्यादा तो डिटेल लेंगे नहीं, बस वो जानना चाहते हैं कि किस चीज की विश रखते हो सकता है कि आज जब पोर्टल ओपन हो रहा हो तो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बताया इस वीडियो में वो भी लें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक वीडियो को फॉलोअप लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर देते हो या जब पेमेंट आप सबमिट कर देते हो अपने कोर्स के लिए, देखो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के भी पेमेंट लगेंगे, आज वाले में कितना लगेगा या आगे लेंगे ये चीजें अभी मैं बाद में कंफर्म करूंगा, लेकिन यहाँ पे फी जो मैंने लिखा है ये लिखा है आपके कोर्स की फी है, जैसे कि मान लो बीए का बच्चा है एफएमसी में हो रहा है तो 3000, या किसी और जगह पे हो रहा है किसी दूसरे कोर्स में 5000-6000, ये ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है, ऑनलाइन आप इनको पे करोगे। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ये लोग बहुत बाद में डेट देंगे, उस डेट पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके फाइनली आपका एडमिशन का पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो होगा। ध्यान दीजिएगा कट ऑफ मेनी ऑफ टाइम्स निकलता है, एक एक कोर्स में 10-10-12 बार आराम से निकलेगा, तो आप लोग को पेशेंस रखना है। तो ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, अभी मैं आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूं एक बार, जिससे कि आप ये समझ जाओ कि आगे आपको फॉलो कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गए, अब यहाँ पे बीएचयू ऑनलाइन डाल दो, बीएचयू ऑनलाइन डाला, ये इनका अब आगे का जो भी काम है आपको इसी पोर्टल से करना है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, और इस पे आपने जब क्लिक करा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये होम पेज है काशी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां से एडमिशन आपका स्टार्ट होना है। अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आते हो, यहाँ पे आप देखते हो कि 23-24 का जो है एडमिशन एकेडमी सेशन, ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का यूजी का स्टार्ट होने जा रहा है, और यहाँ पे इन्होंने क्लिक टू अप्लाई भी कर दिया है। जैसे ही क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो अभी ये कुछ नहीं ओपन हो रहा है, मेरा यही है कि अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, ये अंडर प्रोसेस में होगा। आप जब ये अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, देखो लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जून, जब ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन होगा कुछ, किस तरीके से, कुछ यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, उस आइकन में आपसे एप्लीकेशन नंबर या आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक बनाया जाए पोर्टल, ऐसा नहीं है कि वहां पर डायरेक्टली डालोगे ओपन हो जाएगा, अभी यहाँ पे अपनी आईडी आप क्रिएट करोगे, फिर उस आईडी से बार बार यहाँ जब भी आओगे तो उसी आईडी से आप ओपन करोगे, ठीक है। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप जब मैं समझाऊंगा आपको स्क्रीन पे तो आपको समझ में आएगा, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस यूं समझ लेना जो आपके जो डाउट्स थे इस चीज को लेके कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबका जरूरी है कि नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और सीयूईटी उन्होंने विश्वविद्यालय चूज किया है। ध्यान दीजिएगा यदि आप कोर्सेज वहां पे जैसे जीटी और लैंग्वेज आप लिए हो और बीएचयू नहीं चूज किए थे तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपना अभी भी जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, ठीक है। तो एक जो डाउट है ये, दूसरा डाउट ये है कि हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वही भरेगा, ठीक है। तीसरा एक जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहती है कि सर हमने इस कोर्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड सेक्शन के एग्जाम थे वो तो मैंने दिया ही नहीं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा बीए में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, बीए में एडमिशन लेना चाहता है, अब बीएचयू बीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जीटी और लैंग्वेज, ठीक है, अब वो जीटी और लैंग्वेज तो लिया ही नहीं है, तो भाई आपको अगर बीए में आना है और बस बीए में ही आना है तो आपने जब इस कोर्स को ही नहीं दिया है तो आप यहाँ पे क्यों रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपका एडमिशन तो हो ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने उस कोर्स में उस सब्जेक्ट का पेपर भी दिया होना चाहिए, जरूरी है, तब जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। अभी जो भी पेमेंट के जो भी डाउट्स हैं, पेमेंट यानी पैसा कहां कहां लगेगा, जैसे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में कोर्स वाइज पैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो कितना लगेगा, कब लगेगा, ये गेटवे जो है वो मैं बाद में बताऊंगा जब ये ओपन होने लगेगा तब, ठीक है।
तो अभी तो ओपन नहीं हो रहा है, चेक करते रहिएगा, जैसे ही ओपन होने लगेगा तो मैं फिर एक वीडियो बना के आपको कंफर्म कर दूंगा। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बातें समझ में आई होंगी। हर एक वीडियो को फॉलो करिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल कट ऑफ भी मिलेगा भाई, वो एग्जैक्ट कट ऑफ जो कि आपके कोर्स वाइज रिलीज होगा यहाँ से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।